नवीन सिंह, आप देख रहे हैं अपना लाइव डॉट न्यूज। एससी एसटी ओबीसी के अधिकारों का हनन नहीं है, सामान्य वर्ग को आरक्षण। राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण की निंदा करते हुए इसे एससी एसटी ओबीसी के आरक्षण पर संवैधानिक अधिकारों का हनन बताया जाना मानवीय दृष्टिकोण से तर्कसंगत नहीं है। एक तरफ उनके छोटे बेटे जो उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं माननीय तेजस्वी यादव जी बेरोजगारी हटाओ आरक्षण बढ़ाओ यात्रा पर निकले हैं, तो क्या संभव है कि जब तक आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को आरक्षण दिए बगैर बेरोजगारी भगाया जा सकता है, चाहे वह किसी भी जाति या समुदाय का हो। राजद सुप्रीमो का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार का यह कदम जाति पर आधारित आरक्षण को खत्म करने का पहला कदम है, जबकि सच्चाई यह है कि नरेंद्र मोदी का यह कदम सामरिक साम्राज्य की स्थापना एवं बेरोजगारी कम करने तथा भुखमरी समाप्त करने तथा इस कारण हो रहे छोटे बड़े अपराध को खत्म करने की दिशा में सराहनीय कदम है। माननीय लालू प्रसाद जी को भली भांति यह समझना चाहिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी संविधान में आरक्षण की परिकल्पना किसी जाति समुदाय या व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कर सामाजिक रूप से शैक्षणिक रूप से एवं आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्ति को समाज के मुख्य धारा से जोड़ने के लिए की है। अम्बेडकर जी की दूरदर्शी सोच से यह स्पष्ट होता है कि सामाजिक शैक्षणिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े सभी व्यक्ति को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए, चाहे वह व्यक्ति किसी भी जाति या समुदाय का हो। आज वे 10% आरक्षण देने पर ही बौखला गए, तो हो सकता है कि आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के व्यक्ति 10% से अधिक हो तो शेष का क्या होगा। आरक्षण प्रणाली में जातिगत बात होनी ही नहीं चाहिए, इसे तो समय और परिस्थिति के अनुसार बदलते रहना चाहिए। क्या यह उचित है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के आरक्षित वर्ग के कर्मचारी एवं पदाधिकारी के परिवार वालों को आरक्षण का लाभ मिले। राजनीतिक दृष्टिकोण से संपन्न लालू जी, नीतीश जी, रामविलास जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी, नरेंद्र मोदी जी, सुशील कुमार मोदी जी के परिवार के व्यक्ति को आरक्षण मिले, लेकिन सामान्य वर्ग के वैसे व्यक्ति जो अपने परिवार एवं बच्चे को परवरिश करने में असमर्थ हैं यानी आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उसे आरक्षण नहीं मिले क्योंकि वह व्यक्ति सामान्य वर्ग का है। क्या यह मानवीय रूप से सामाजिक रूप से किसी भी दृष्टिकोण से न्याय उचित है? आरक्षण किसी जाति और समुदाय का अधिकार नहीं बल्कि यह परिस्थिति की व्यवस्था है। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूँगा, अगर आप इस वीडियो को अपना लाइव के पेज पर देख रहे हैं पेज को लाइक करेंगे, अगर YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ अपने महत्वपूर्ण सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में देना नहीं भूलेंगे। नमस्कार।